करती हूँ आपका अपने चैनल नेशनल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ हार्ड बीन वैक्स। इसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी बहुत शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। हार्ड बीन वैक्स चने के दाल जैसी मिलती है हमें, और कलर के अकॉर्डिंग इसका प्राइस में 100 या 50 रुपए का फ़र्क होता है। अमेजन पे आपको आसानी से मिल जाती है ओरिजिनल, बट इसमें नकली भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ ये है ब्यूटी की हार्ड बीन वैक्स डॉट स्ट्रिप। आप इसको आसानी से कर सकते हैं अपने किसी भी पार्ट में। आपने आप कॉलेज गर्ल हैं, बिगनर हैं, अपर लिप्स करना चाहते हैं, फेस वैक्स करना चाहते हैं, अपनी आईब्रोज बनाना चाहते हैं, या कोई भी पार्ट पर आप करना चाहते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी, विदाउट स्ट्रिप हो जाएगी। हमें मिलती 1000 रुपीज में 400 ग्राम हार्ड बीन वैक्स। इसमें काफी अलग अलग कंपनी आपको अलग अलग मिल जाएंगी। ये देख सकते हो 1 ईयर से मेरे पास रखी है, गर्मियां भी आई हैं बीच में, फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं पिघली है। बट आप इसमें, और ये कलर इतना प्यारा है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी ले सकते हो। हाँ, कई बार हमें कलर अच्छे लगते हैं कि हम कौन सा लें, तो उसके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है। और मेरे पास ये पूरा है, ये है इसी में कॉपी, देख सकते हो इस पे लिखा है हार्ड वैक्स बीन्स और सभी कुछ। लेकिन देख सकते हो उसी टाइम खरीदी थी मैंने इकट्ठा, बट ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ली थी और वो मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। तो देख सकते हो ये नकली है, होने में तो कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन आप इसको रख नहीं सकते हैं। इस तरीके की पूरी इस बॉटल में चिपक गई है बिल्कुल गर्मी के कारण। जब गर्मी हुई थी तो ये बिल्कुल आपस में पिघल के चिपकनी शुरू हो गई थी और ये इस तरीके की बन गई है। तो वही है कि नकल में थोड़ा बहुत तो वो होता है। और ये दोनों वैक्स आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ, ये नकली है इसकी कॉपी, और ये देख सकते हो इसी में ही सेम, बल्कि मैंने थोड़ा टाइम पहले ली थी, तो ये आज भी ऐसे की ऐसे है, आप देख सकते हो। तो वैरायटी में फ़र्क है, तो प्राइस में फ़र्क होगा। वो पड़ी थी मुझे 500 की और 1000 रुपीज़ की, तो काफ़ी अच्छी है। चलिए देखते हैं अपनी वीडियो में किस तरीके से करते हैं, कैसे कर सकते हैं, और आईब्रो भी दिखाऊंगी, अपर लिप भी दिखाऊंगी। वीडियो में जाने से पहले कहूंगी मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे चैनल पर। नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड मेरा फर्स्ट चैनल है, ऑल अबाउट मेरा सेकंड चैनल है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे नए नए वीडियो, मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। तो चलिए चलते। यहाँ पर ये वैक्स हीटर लिया है मैंने, इसमें 2 बॉक्स होते हैं, तो आप एक में अगर रिका वैक्स जैसा बॉक्स होता तो वो भी रख सकते थे, बट ये प्लास्टिक का है तो इसमें हम इस तरीके से डाल लेंगे। हार्ड बीन वैक्स डालिए मैंने इसके अंदर, और इसके साथ ले लेंगे आप पाउडर, आइसक्रीम स्टिक, और ये देख सकते हो इस तरीके की दिखाई देती है। और बिल्कुल पेनलेस है ये वैक्स, बहुत लेट ग्रोथ आती है, पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। आप आईब्रो, अपर लिप, फेस वैक्स कहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले करने से पहले ध्यान रखेंगे कि स्किन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए आपकी, और अपर लिप एरिया पे इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से उतार देंगे। चाहे तो आप अपनी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी फिंगर का भी इस्तेमाल करके उतार सकते हैं, और देख लेंगे कहाँ पर रह गए बाल। तो दोबारा से इस तरीके से लगा लेंगे, जैसे हमने दोनों साइड का हिस्सा किया है तो सेंटर का हिस्सा भी करेंगे दोबारा से। और ध्यान रखेंगे कि वैक्स करते टाइम कहीं भी कर रहे हो आप, चाहे लेग्स पे, हैंड्स पे, फेस पे, तो आपके हाथों में या लेग्स में या फेस में मॉइस्चराइज़र नहीं लगा होना चाहिए, उससे बाल टूट जाएंगे और अच्छे से निकलेंगे भी नहीं। तो फेस को एकदम ड्राई रखें और उसके बाद वैक्स करें। साइड में आ जाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे और स्किन को पकड़ के उसके बाद ही खींचेंगे। बहुत बड़े बाल थे तो देख रहे हो थोड़ा रोक रोक के खींचा था, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लॉन्ग बाल पे आप एक साथ खींचते हैं तो दाने निकल आएँ, बट इस वैक्स से दाने जैसा भी कुछ नहीं होता है और बहुत आसान से होती है, और बाल ग्रोथ भी बहुत लेट आती है इसमें, ग्रोथ भी बिल्कुल जल्दी नहीं आती है। और सबसे मेन है कि आप रेखा वैक्स करते हैं तो उससे बहुत पेन होता है, इससे कोई पेन भी नहीं होता है वैक्स से। तो आप अपने आईब्रोज बना सकते हो, अपर लिप एरिया कर सकते हो, फेस पे कर सकते हो, अपने लेग्स पे, मैंने हैंड्स पे भी करनी बता रखी है, आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। और 2-3 वीडियो और हैं मेरे ऐसे ही रेखा वैक्स के, कटोरी वैक्स के और बीन वैक्स के, तो वो भी देख लें वीडियो में जाकर, काफ़ी डिटेल में है। फोरहेड इस तरीके से करेंगे, मेरी वैक्स थोड़ी सी थिक हो गई थी, आप थोड़ी और पतली लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से लग पाएगी। और ये देख रहे हो इस तरीके से उतरती चली जाएगी और फोरहेड आप देखेंगे कितना क्लीन होगा, ये देख सकते हो। एक ही बार में आपके बाल आसानी से निकल के आ जाएंगे और काफ़ी आसानी से हो जाएगी। पाउडर लगाते रहेंगे और वैक्स लगाते रहेंगे, और सबसे मेन है कि इसमें दाने नहीं होते। अगर स्किन को लूज़ छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं स्किन में प्रॉब्लम होगी, स्किन को अच्छे से पकड़ कर निकालनी है। ये देख सकते हो आईब्रो, आईब्रो बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है इनकी, आपको दिखाती हूँ।
स्टिक को साफ कर ले, बट मेरी पुरानी स्टिक हो गई है, मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसीलिए ज़्यादा वैक्स लगी हुई है इस पर। और ये देख सकते हो ऊपर से कितनी आसानी से शेप आ जाएगी आईब्रो की। अब नीचे से भी लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से ले लेंगे और एक शार्प लाइन बना के, ऐसा ना हो कि आप आईब्रो पे लगा दें तो आईब्रो उड़ जाएगी वहाँ से, ध्यान रखेंगे। बट देख रहे हो मुझे आइडिया है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ और एकदम एक लाइन निकलेगी। आप देख रहे हो एक ही बार में बिना पेन किए हुए, बार बार हम थ्रेड का यूज़ करते हैं तो कईयों को बहुत पेन होता है, इस तरीके से बहुत अच्छी शेप आएगी। पहले भी मैंने इसी की वीडियो आपको दिखाई हुई है इस गर्ल की, इनकी ग्रोथ बहुत टाइम बाद आई थी, इससे ग्रोथ बहुत लेट आती है। तो आप एक आईब्रोज की शेप बनाते हुए लगाएंगे, देख रहे हो जितनी पतली लगाएंगे उतनी ही अच्छी निकलेगी, तो आप थोड़ी पतली ही लगाना इस तरीके से हो जाएगी। और अब हम यहाँ नीचे भी कर लेंगे, मैं सिर्फ हेयर हेयर पर लगा रही हूँ ज़्यादा वैक्स को यूज़ ना करते हुए, और इधर से इस तरीके से एक शेप बनाते हुए निकालेंगे। ये देख रहे हो बहुत क्लियर निकलेगी और जल्दी भी निकलेगी। तो एक शेप बना के देखें कि आईब्रो के बीच में नहीं लगनी चाहिए, जहाँ पर भी आपको कहीं छोटे बड़े दिखते हैं तो निकाल लेंगे। सेंटर में इनको थोड़ा सा पार्ट निकालना था, ज़्यादा नहीं निकालना था, तो मैंने इस तरीके से किया है। और ये है दूसरी आईब्रोज़, इन पे भी देख रहे हो मैंने शेप दे दी थी, बट ये देख रहे हो कितनी थिक से, क्या होता है कि मोटे बाल होते हैं आसानी से निकलते हैं, बस पतले लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी निकलेगी। ये तो देखा आपने, ये है हार्ड बीन वैक्स, कितनी आसान तरीके से आप अपने फेस पर कर सकते हैं, आईब्रो कर सकते हैं। तो आपको ये वैक्स पसंद आई और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।